ये बालाकोट आपके सामने है। आपको मेरी पहली वीडियो कराची से नारायण जाते हुए पहली वीडियो का अख्तिताम मैंने यहाँ पे किया। अब ये पार्ट टू का जो है आगाज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये वेलकम टू बालाकोट का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये बालाकोट शहर है, बालाकोट शहर की ये शुरुआत है और ये यहाँ से जो है अभी नारायण तकरीबन कोई 85 किलोमीटर के फासले पे। ये बालाकोट शहर की भी हिस्ट्री है, तारीख में इसका नाम आता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बालाकोट पे भी एक प्रोग्राम करके मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह शोहरत और इसकी हिस्ट्री में इसका नाम क्यों आता है। नारायण का जो है गेट भी बोलते हैं बालाकोट को। ये ब्रिज ये देखें, ये रिवर के ऊपर ये दराए किनारा लेफ्ट और राइट साइड पे, ये बालाकोट का इसका ब्रिज सामने आपको नजर आ रहा है। तो अभी ये हमारा नारायण के लिए सफर यहाँ से बालाकोट से स्टार्ट हुआ है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है कराची बालाकोट का। कराची से नारायण तक का ये जो है सफ़र मैंने आपको दिखाना था। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी तो इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा ऑलरेडी लोड हो चुका है, काफ़ी लोग देख चुके हैं। अब दूसरा हिस्सा जो है ना, मैं अभी आज ये इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके आपको लोड करके दिखाऊंगा। तो आपको कभी भी जो है नारायण से कराची आना आपके लिए जो है इससे पहले इतना आसान नहीं हुआ होगा जितना मैंने कर दिया है। तो अपनी गाड़ी में आएँ, आराम सुकून से जो है ना आपको मैं सीधा नारायण लेके जाऊँगा। ये अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं इसका नाम है खोलिया। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये संगड़ के मोड़ है। खूबसूरत नजारा आपको दिख रहा होगा, ऊपर देख रहे हैं तो एक अलग वैली नजर आ रही है। लेफ्ट साइड पे कुछ और नजारा। इस जगह का नाम है संगड़। यहाँ गाड़ी चलाने का भी अलग ही मजा है। आप लॉन्ग ड्राइव पे आएंगे तो मजा ही आ जाता है, लेकिन ये कि इलाके की अवेयरनेस होनी चाहिए, रोडों से आपकी अवेयरनेस हो कहाँ से क्या मुड़ना है। आप देखिए आगे ये ट्रक है, अब मैं फंस गया हूँ लेकिन मैं निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं निकलना चाहिए, असूलन गलत है ये, निकल क्योंकि वो देखें ये आपको अभी मैं बता ही रहा था और आप देखिए खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचा है ये ट्रक वाले की गलती से। लेकिन इसकी मजबूरी है, ये करे क्या, ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी इस इलाके में आए ड्राइविंग के लिए खास आपने जो है ना एहतियात करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये आप तो नए हैं इस इलाके में, आप तो पहली दफा गाड़ी चला रहे हैं तो इसलिए आपको नहीं पता कि टर्न कैसा है, क्या शार्प टर्न है, लॉन्ग टर्न है, आगे से कौन सी गाड़ी आ रही होगी, कब आ रही होगी, कब नहीं आ रही होगी। तो इसलिए बहुत मोहताज रहना है, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, जहां आपका दिल चाहे वहीं आपकी गाड़ी रुक जाए। कैफे अबशार भी आपको नजर आएगा, मशहूर आपने कई टिकटॉकरों की या यूट्यूबर्स की जो है ना वीडियोस में देखा होगा। यहाँ चारपाइयों पे सीजन में पानी के अंदर बैठ के रिफ्रेशमेंट करते हैं। ये सामने होटल देखें, नीचे दरिया है, ऊपर होटल है। ये वो कैफे, मशहूर कैफे आबशार है। ये सारा ये राइट साइड पे मेरे आपको नजर आएगा, ये सारा ये अभी इन्होंने कर दी है तकरीबन तैयारी, मेहमानों का इंतजार है। कुर्सियां बिछ गई हैं, चारपाइयां बिछ गई हैं, लेकिन अभी मैं राइट साइड पे दिखाऊंगा शोकरान का रास्ता यहाँ से और फिर स्ट्रेट नारायण। नारायण जाने के लिए जो बीच में आपके शहर आते हैं वो काफी सारे हैं, छोटे छोटे फरीदाबाद, अभी पहले पारस आएगा, फिर फरीदाबाद है, फिर जरेद, मांडरी, कागान, रजवाल, ये मशहूर नाम है।
ये जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड पे मेरे ये ऊपर जो जा रहा है ये सारा रास्ता ये शोग्रान का जा रहा है। ये वो पार्किंग एरिया है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से जीप हायर करेंगे। कभी भी आएँ तो कोशिश करें जीप पे ही जाएं या लोकल गाड़ी पे जाएं, अपनी गाड़ी मत ले जाएं, रिस्क मत लें। अगर आप नए हैं, अगर आप इस इलाके से पहले वाकिफ़ हैं तो फिर आप बेशक अपना सफ़र अपनी गाड़ी पे जारी रख सकते हैं। देखिए लैंड स्लाइडिंग का बहुत ख्याल रखना है, ये हल्की हल्की लैंड स्लाइडिंग अभी हमसे पहले हुई हुई है। छोटा सा पत्थर भी आपकी गाड़ी पे अगर लगता है ना तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आप जब सफ़र कर रहे हो तो आपने कोशिश करना है कि ऊपर की तरफ भी देखें, सामने भी देखें, चारों तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। इसलिए बहुत ही फ़ायदेमंद है शुगर के मरीजों के लिए। ये देख रहे हैं, ये जूम करते हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है सामने पानी निकलता हुआ। ये आगे से ये टेंकी बनाई हुई है, ये सीज़न में ये ज़्यादा हो जाएगा, अभी ये बहुत कम है। ये इस पर थोड़ी सी वर्किंग होगी, जो भी लोग हैं ये आके इसको ये पूरा एरिया साफ़ करेंगे, ये इनका सामने जो है ना ये टक पॉइंट शॉप बन जाएगी और इस पर जो है ना ये अपना काम कारोबार भी करेंगे। ये सामने जो नज़र आ रही है आपको ये वाली, तो ये इस काम कारोबार भी करेंगे और ये पानी दुनिया भर के ले जाएगी। सामने चेक पोस्ट है, देखने ये वीडियो नहीं बनाने की शायद। हमने चेक पोस्ट को क्रॉस किया, ये आपका पारस का शहर है। ये छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ अगर आप समझें शहर बहुत बड़ा होगा तो ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे गांव देहात के शहर हैं, ये ऐसे ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दुकानें होंगी, 5-10 दुकानें होंगी। ये यहाँ का पाकिस्तान होटल है। ये गाड़ी वाले आपको कभी भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करेंगे तो, और ये टंगी हुई है, ये मांडी का एंट्रेंस का ब्रिज है। रोड बहुत ख़राब है तो आप जब भी आएँ आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। ये ग्लेशियर है ही नहीं तो इस दफ़ा जो है ना यहाँ के जो पॉइंट वाले हैं उनको भी थोड़ी परेशानी होगी। ये नाराज आते हुए लम्बी पट्टी का छोटा सा बाजार है, इसको लम्बी पट्टी कहते हैं। ये चिट्ठागढ़ा से थोड़ा सा पहले नाराज आते हुए दरिया के खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। नाराज यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये दरिया को आप देखें, बहुत ही खूबसूरत मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। और इसकी मुकामी आबादी जो है 1585 लोग हैं और इसके बाद जो मुकाम आ रहा है उसका नाम है दोमेल। ये सामने आप देख सकते हैं ये सारा नारायण का शहर है। जा रहे हैं ये पिघल के आगे जा चुके हैं, बहुत सारे बहुत आगे जा चुके हैं। ये मेरा ख्याल है ईद के वजह से ये रजवाल से नारा आते हुए 5-6 ही ग्लेशियर मिले हैं छोटे छोटे। और में दाखिल हो गए, नारायण पहुंच चुके हैं। ये जो शेल्टर्स का जो मुकाम होता था ये राइट साइड पे शेल्टर लगा करते थे, लास्ट ईयर इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, सबको जो है ना शेल्टर उखेड़ दिए, मशीनरी लगी है अभी और इस दफ़ा अभी तक कुछ आसार नहीं है। हो सकता है आगे चल के इनको परमिशन मिल जाए,
लेकिन अभी तक कुछ नहीं है ऐसा दिख रहा है। ये राइट साइड पे जो ग्लेशियर है ये भी ख़त्म होने वाला है, हो सकता है 15-20 दिन तक ये आज कम होते 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 पीछे तक चला जाए। अच्छा, जब आप ये नारायण शहर में दाखिल होते हैं तो ये आपको यहाँ पे दो रास्ते नज़र आते हैं, सामने बोर्ड भी देखें, ये बाईपास है। राइट साइड से जाएंगे तो आप शहर को बाईपास कर जाएंगे, सीधा जाएंगे तो आप शहर में दाखिल होंगे। गिलगित इस्कर्दू वगैरह जाने के लिए जो है ना बाबू से टॉप पटाकुंडी के लिए राइट साइड जाइए तो शहर के ट्रैफिक से बच जाएंगे आप। ये आपका नारायण, ये अब नारायण में हम आ गए, ये आप देख सकते हैं ये नारायण का शहर है। ये PSO पेट्रोल पंप है, इसके ये थोड़ा सा पीछे वैगन स्टैंड होता था, अभी वैगन नहीं है, लगता यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम चली है। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है नारायण इस वक्त, कुछ होटलों पे आप देखें तो आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है, सफाई के काम हो रहे हैं, रिनोवेशन हो रही है, रोड खाली है। ये एक होटल शायद ये इसकी लाइटें जल रही हैं, शायद ये चल रहा है, तो ये न्यू पार्क होटल आपको नजर आ रहा है, इसकी लाइट्स चल रही हैं, बाकी लाइटें सब खामोश हैं, बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा मुकम्मल। ये नारायण बाजार है पूरा, ये मून होटल को हमने क्रॉस किया है, मून रेस्टोरेंट को, ये मरकजी जामा मस्जिद को क्रॉस कर रहे हैं, ये पंजाब होटल रोड साइड पे जो जो होटल आपको दिखते हैं वो नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये देखें बजरी पड़ी ये सारी, ये होटलों पे आके अपना डेकोरेशन का काम हो रहा है। तो ये जी आपको मैंने दिखा दिया है बालाकोट से नारायण, और ये आपके सामने है सारा, आप जब दिल चाहे आएँ, हमें भी याद रखिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और फीडबैक अपने कमेंट्स के ज़रिए, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।